जगदम्बिका पाल जी अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने इस समय एक बड़ा ज्वलंत और महत्वपूर्ण और निश्चित तौर से हम सभी के लिए दुखदाई है, जिसका उल्लेख रूडी साहब ने भी किया, और इस विषय को हम लोग इस सदन में कई बार उठा चुके, और ये केवल बिहार के मुजफ्फरपुर नहीं बल्कि वेस्ट बंगाल हो, आसाम हो, उत्तर प्रदेश हो, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज या वाटर बॉर्न डिजीज जो है ये लगातार पिछले काफ़ी दिनों से चल रही है। ये घटना घटित हुई, आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने इस संबंध में उपाय किया था, और इसी सदन में हमने 4 अगस्त 2014 को एक कॉलिंग अटेंशन दिया था हमने और योगी आदित्यनाथ जी ने, उस समय आपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री के रूप में तत्कालीन जवाब दिया था और स्वयं कहा था कि मुजफ्फरपुर की हॉस्पिटल का दौरा किया था और उन्होंने एक मीटिंग 10/6/2014 को भी लिया था, तो उसमें वायरोलॉजी सेंटर गोरखपुर बनाने की बात हुई थी, बन गई। एक ICMR और NIV कोलेबरेशन से बिहार को स्टेप अप करना था और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ICMR एंड गवर्नमेंट ऑफ बिहार फॉर स्टार्टिंग ऑफ यूनिट्स ऑफ वायरोलॉजी इन मेडिकल कॉलेज मस्ट बी फाइनलाइज विद इन 3 ईयर्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम शुड बी इन प्लेस अहमदाबाद मॉडल में भी स्टडीड। तो ये कुछ स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिसर्च वर्क मस्ट कंटिन्यू, क्योंकि माननीय रूडी जी भी उस इलाके से आते हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, अभी तक तो जापानी इंसेफ्लाइटिस का वायरस है ये बात समझ में आई, लेकिन एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम इसका तो अभी तक दुनिया में कोई इलाज नहीं हुआ है, और स्वाभाविक है कि इसको हम रोक सकते हैं कब, जब हम इसको प्रॉपर 100% इम्यूनाइजेशन का काम करें। ये बीमारी कोई हमारी कंट्री से नहीं आई, जापान से आई, कोरिया से आई, ताइवान में आई, मेनलैंड चाइना में थी, आज उन कंट्रीज ने इम्यूनाइजेशन से, टीकाकरण से अपने यहाँ पाल जी, मैं अपनी बात संक्षिप्त में रखी, बहुत गंभीर मामला है, मैं बहुत संक्षिप्त रख रहा हूँ, मैं कोई इससे, तो आज अगर ये उन सारी कंट्रीज में खत्म हो चुका, लेकिन अब ये इंडिया में, बांग्लादेश में, लंका में, नेपाल में, 1990 से जिस तरह से एज का प्रकोप बढ़ा है, ये कंबोडिया में भी खत्म हो गया, तो मैं चाहता हूं कि आज इतनी बड़ी, जिस तरह से मुजफ्फरपुर में 152 बच्चों की मृत्यु हो गई असामयिक, और जो बच्चे बच भी जा रहे हैं वो मेंटली रिटार्डेड हो जा रहे हैं, एक तो गरीबी है और उस पे गरीबी पे उन बच्चों की बीमारी के बाद अगर वो सर्वाइव करते हैं, मेरा आपसे प्रार्थना है कि कंक्लूड कीजिए। मैं कंक्लूड करता हूं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इस सदन में मौजूद हैं, इस मामले में बहुत संवेदनशील हैं, उन्होंने स्वयं तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री के रूप में कदम उठाए थे, हम लोगों की बैठक बुलाई थी, खुद दौरा किया था, इस बार भी मुझे डॉक्टर संजय जायसवाल जो एडवाइजरी दिया था वो बातें पूरी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।